गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी ये वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो क्लास 6 की एसएसटी का चैप्टर नंबर 8 है जो हिस्ट्री से लिया गया है। चैप्टर का नाम है बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म। फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग जो है क्लास 6 की एसएसटी का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं जो की हिस्ट्री से लिया गया है और चैप्टर का नाम है बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म। मैंने ये वीडियो पहले भी बनाई थी लेकिन इस वीडियो में आवाज नहीं थी तो बच्चों ने बार बार कहा इस वीडियो में आवाज नहीं है सर, तो ये वीडियो में आज फिर से आपको बनाकर बता रहा हूँ, इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है बुद्धिस्ट मैन जैनिज्म। फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग जो है इस चैप्टर के अंतर्गत बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है आज की इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक पर बात करने वाले हैं उन टॉपिक को हम लोग जो है यहाँ पे समझ लेते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग जो है जैनिज्म यानी कि जैन धर्म के बारे में जानेंगे। जैन धर्म का संस्थापक कौन था, किसने किया, किस प्रकार से किया, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो है वर्धमान महावीर के बारे में पढ़ेंगे यानी कि महावीर के बारे में जानेंगे कि महावीर कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, किस प्रकार उन्होंने जो है जैन धर्म की स्थापना की, उनकी शिक्षाएं क्या क्या है, इन पर जो है हम लोग जोर डालेंगे। फिर हम लोग जो है अगले पॉइंट में बात करेंगे टीचिंग ऑफ महावीर यानी कि महावीर की क्या क्या शिक्षाएं हैं, महावीर की शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे स्प्रेड ऑफ जैनिज्म यानी जैन धर्म किस प्रकार से फैला, इसके जो है क्या कह सकते हैं कि इसका स्प्रेड किस प्रकार से हुआ, इसका प्रसार किस प्रकार से हुआ, जैन धर्म के प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ जैनिज्म यानी जैन धर्म का विभाजन किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से संप्रदाय में जैन धर्म जो है वो बांटा गया, तो जैन धर्म के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो जैन धर्म था वो जो है अपने पतन की तरफ बढ़ा यानी जैन धर्म के पतन के क्या कारण थे, पतन के कारण के भी बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है वो जैन धर्म के बारे में जानते हैं, जैन धर्म क्या था इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे कि बहुत सारे जो विचारक थे उन विचारकों की अगर बात करें तो उस समय 7वीं शताब्दी ईसापूर्व में जो जैन धर्म था उसका प्रसार तेजी के साथ में हुआ। वर्धमान महावीर ने 6वीं शताब्दी ईसापूर्व जो है जैन धर्म का प्रचार और प्रसार शुरू किया। अगर उनकी शिक्षाओं की बात करें तो उस समय जो समकालीन धर्म थे सभी समकालीन धर्मों में जो उनकी शिक्षाएं थी वो तेजी के साथ बढ़ रही थी भारत के अंदर में। साथ ही साथ देखेंगे तो उन्होंने जो उपदेश दिए वो उपदेश आम जन की बोलचाल की भाषा में थे जिसे प्राकृत भाषा जानना दिया गया। और उस समय जो प्राकृत भाषा थी इस प्राकृत भाषा में सारे लेख लिखे जाते थे क्योंकि ये आम लोगों की भाषा थी। जैसे आपको बता दें कि वर्धमान महावीर ने जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म की स्थापना की और अगर उनके विचारों की बात करें उनके शिक्षाओं की बात करें तो उनके शिक्षाओं का बड़ा मान रहा और जल्द ही समकालीन भारत के अंदर में जैन धर्म तेजी के साथ बढ़ने लगा। साथ ही साथ देखेंगे तो उन्होंने जो उपदेश दिए वो आम जन की बोलचाल की भाषा में दिए जिसे प्राकृत भाषा कहा गया। और अगर कहा जाए तो उस समय के जो लेख थे वो प्राकृत भाषा जो आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी इस भाषा में उनके उपदेश लिखे गए। चलिए हमने जो है अभी जैन धर्म के बारे में जाना, अब आगे हम लोग जो है वो महावीर के बारे में पढ़ेंगे कि महावीर कौन थे। तो देखेंगे कि महावीर एक इच्छुक राजकुमार थे, उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद वो जो है जंगल यानी कि 12 वर्ष की कठिन तपस्या की और 13वें वर्ष जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई जिसे निर्वाण का नाम दिया जाता है। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो अरहंत या जीव कहलाए। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो उन्होंने ऐसा ज्ञान प्राप्त किया जिस ज्ञान के माध्यम से दुख को दूर किया जा सकता था जिसको उन्होंने कैवल्य नाम दिया। साथ ही साथ अपने
बाकी के समय में यानी कि कह सकते हैं कि रिमेनिंग ईयर्स में यानी कि बाकी के समय में उन्होंने देखेंगे तो मगध और अंग में रहकर अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया। इससे आपको बता दें कि वर्धमान महावीर लिच्छवी राजकुमार थे। अगर उनकी बात करें तो 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 13वें वर्ष ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे कैवल्य नाम दिया गया, और ज्ञान प्राप्त के बाद वो अरहंत या जिन कहलाए। साथ ही साथ उन्होंने देखेंगे तो उन्हें पूरी यानी कि संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसमें उन्होंने दुख और सुख पर विजय प्राप्त कर लिया, जिसे कैवल्य कहा गया। और अपने जीवन के बचे हुए समय में उन्होंने अंग और मगध के अंदर जो है जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया। तो इस प्रकार से आपने जैन धर्म के बारे में पढ़ा और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जिनका नाम वर्धमान महावीर था, वर्धमान महावीर के बारे में जाना। अब आपको जानना है कि जो टीचिंग्स थी, उनकी शिक्षाएं थी, उनकी क्या क्या शिक्षाएं थी, महावीर की बाकी शिक्षाओं के बारे में आपको जानना है। तो महावीर ने पंच सिद्धांत या पांच सिद्धांत दिए, जिसमें पहला है अहिंसा, दूसरा है झूठ ना बोलना, तीसरा है चोरी ना करना, चौथा है संपत्ति इकट्ठा ना करना, और पांचवा है ब्रह्मचर्य का पालन करना। इससे आपको बता दें कि जैन धर्म पांच सिद्धांतों पर विश्वास रखता है। पांच सिद्धांतों में पहला सिद्धांत आपका है कि हिंसा ना करना यानी कि अहिंसा का पालन करना, दूसरा है झूठ ना बोलना, तीसरा सिद्धांत है चोरी ना करना, चौथा सिद्धांत है संपत्ति ना रखना, और पांचवा सिद्धांत है ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये जो पांच सिद्धांत हैं, ये वर्धमान महावीर के द्वारा दिए गए। और अगर देखें तो महावीर को देखेंगे जो उनके अनुयायी थे, वो महावीर को जैन के नाम से जानते थे। और ये जैन नामक जो शब्द है, ये जिन नामक शब्द से लिया गया है। अगर देखें तो ये लोग जो होते थे वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताते थे, साथ ही साथ वस्त्रों का परित्याग करते थे, और आजीवन यानी पूरे जीवन जो है वो पांच सिद्धांतों का पालन करते थे। अगर जैन धर्म के आधार पर देखें तो किसी व्यक्ति का जन्म अगर निम्न वर्ण में हुआ है तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि उसने पुराने अपने अतीत में जो है कह सकते हैं कि पाप किए हैं। तो अगर देखेंगे तो अगर उसे मुक्ति चाहिए तो मुक्ति के लिए उसे जैन धर्म के पांच सिद्धांतों का पालन करना होगा। इससे आपको बता दें कि जैन धर्म के पांच सिद्धांत थे। अगर कोई व्यक्ति इन पांच सिद्धांतों का पालन करता था तो जैन धर्म के आधार पर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती थी, जैसे अहिंसा का पालन करना, दूसरा है झूठ ना बोलना, तीसरा है चोरी ना करना, चौथा है संपत्ति इकट्ठा ना करना, और पांचवा है ब्रह्मचर्य का पालन करना। जो जैन धर्म के अनुयायी थे वो वर्धमान महावीर को, या जो जैन धर्म कह सकते हैं जो अनुयायी थे वो महावीर को जिन कहते या जैन कहते थे। तो ये जो जैन नामक शब्द है ये जिन नामक शब्द से लिया गया है। और उन्होंने पूरा जीवन अपना भिक्षा मांग कर बिताया, उन्होंने वस्त्रों का परित्याग किया, और आजीवन उन लोगों ने जो है कह सकते हैं कि जैन धर्म के पांच सिद्धांतों का पालन किया। अगर जैन धर्म के सिद्धांतों की बात करें तो इसमें ये है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म निम्न वर्ण में हुआ है तो इसके कहने का मतलब ये है कि उसने अपने पहले समय में कोई ना कोई पाप किया है। अगर उसे मुक्ति चाहिए तो उसे जैन धर्म के पांच सिद्धांतों का पालन करना होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि महावीर की शिक्षाएं जो है वो पांच सिद्धांतों पर आधारित हैं। आगे है स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, किस प्रकार से जैन धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ। आपको देखेंगे कि महावीर के कुल 14,000 अनुयायी थे, जिसमें महिला और पुरुष, अंग और मगध के महिला और पुरुष दोनों शामिल थे। धीरे धीरे जो
जो जैन धर्म था वो दक्षिण और पश्चिमी भारत में भी फैलने लगा। इसके अलावा वर्तमान में उड़ीसा जिसे कलिंग कहा जाता था 14वीं शताब्दी ईसापूर्व में वहां भी जैन धर्म तेजी के साथ में फैला। धीरे धीरे जो जैन धर्म था वो मालवा राजस्थान और आज जो गुजरात है वहां तक फैल चुका था। आगे देखा जाए तो आज जो अधिकांश व्यापारी वर्ग है वो जैन धर्म का अनुयायी है। फिर से आपको बता दें कि महावीर के कुल 14,000 अनुयायी थे जो अंग और मगध के थे और उसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल थे। जैन धर्म की अगर बात करें तो वो दक्षिण और पश्चिमी भारत में भी फैला। इसके अलावा कलिंग जिसे उड़ीसा कहते हैं 14वीं शताब्दी ईसापूर्व में जैन धर्म का वहां पर प्रचार और प्रसार किया गया। धीरे धीरे जो जैन धर्म था वो वर्तमान में मालवा राजस्थान और गुजरात तक पहुंच चुका था। इसके अलावा अगर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो पॉपुलेशन थी वो देखेंगे तो ट्रेड और कॉमर्स यानी कि व्यापार और वाणिज्य में लगे होते थे। यानी कि जो व्यापारी वर्ग होता था वो जो है जैन धर्म का अधिकांशता जो है वो अनुयायी था। आगे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इसका विभाजन हुआ तो देखेंगे समय के साथ साथ जैन धर्म जो है वो दो भागों में बट गया। एक थे दिगंबर और दूसरे थे श्वेतांबर। यानी कि जो जैन धर्म था वो समय के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया, दिगंबर और श्वेतांबर। जो दिगंबर थे वो महावीर के कट्टर अनुयायी थे, वो पूर्णतः जो है ब्रह्मचर्य का जीवन यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और वस्त्रों का परित्याग कर देते थे। अगर हम श्वेतांबर की बात करें तो श्वेतांबर को हम कह सकते हैं कि ये वे लोग थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और अपने मुख पर सफेद जो है कपड़ा लगाए रहते थे। तो फिर से आपको बता दें कि समय के साथ साथ जैन धर्म का विभाजन किया गया। जैन धर्म दो भागों में बांट दिया गया, एक थे श्वेतांबर और दूसरे थे दिगंबर। जो श्वेतांबर होते थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जो दिगंबर होते थे वो महावीर के कट्टर अनुयायी होते थे। अगर इनकी बात करें तो ये वस्त्रों का परित्याग कर देते थे यानी ये नग्न रहते थे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो जैन धर्म था उसे दो भागों में बांट दिया गया, श्वेतांबर और दिगंबर। आगे है जैन धर्म के पतन के कारण, तो देखेंगे जैन धर्म के पतन के कुछ निश्चित कारण थे। पहला आपको बता दें कि ये वर्ण व्यवस्था जो वहां पर समाज में चल रही थी ये वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे, इसलिए जो है प्राथमिक कारण ये रहा। दूसरा देखेंगे तो ये अधिकांश मात्रा में कह सकते हैं कि अहिंसा का को मानते थे और जो हमारी ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन थी, ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या थी, वो इन चीजों को स्वीकार नहीं कर पाती थी। साथ ही साथ जो कृषि में काम करने वाले लोग होते थे, जो हस्तशिल्पी होते थे, वो जो है कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनसे किसी न किसी प्रकार की हिंसा हो जाती थी। तो ये लोग जो है वो जैन धर्म से जुड़ नहीं पाए। साथ ही साथ कृषि में जो किसान होता था वो अपने खेतों में कीटों को भी मारता था। तो इस प्रकार से ज्यादा लोग जो है वो जैन धर्म का पालन नहीं करते थे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो जैन धर्म की शिक्षाएं थी उन शिक्षाओं से अधिकांश जो जनसंख्या थी वो जुड़ नहीं पाती थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैन धर्म जो है वो माना जाता था, लेकिन अधिकांशता देखेंगे तो जनसंख्या जो है वो अन्य धर्मों के प्रति आकर्षित थी। तो इस प्रकार से आपने जैन धर्म में, जैन धर्म के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में, महावीर की शिक्षाओं के बारे में, जैनिज्म के बारे में, उसके बंटवारे के बारे में और जैन धर्म के पतन के कारण के बारे में पढ़ा। तो आज की वीडियो में आपको इतना ही, बाकी चीजें आपको अगली वीडियो में दी जाएगी। धन्यवाद।